बॉलीवुड में कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने जिंदगी में कामयाब होने के बाद अपने बचपन के प्यार से शादी की और आज तक उनके साथ ही हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया से बगावत करके एक दूसरे का साथ चुना और कुछ समय साथ समय गुजारने के बाद ही अलग हो गए। हम आज आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने प्यार को ही अपना जीवन साथी चुना और ये जोड़े आज भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। बॉलीवुड के सबसे मशहूर लव स्टोरी है शाहरुख खान और गौरी खान की। शाहरुख और गौरी की प्रेम कहानी के किस्से आज भी सुनने को मिल ही जाते हैं। हिंदी सिनेमा के तकरीबन सभी फैंस इस जोड़ी पर दिल खोल कर प्यार लुटाते हैं। हालांकि गौरी हिंदू थी और शाहरुख मुसलमान, तो इनके लिए उस दौर में शादी करना आसान नहीं था। दोनों ने जमाने के खिलाफ जाकर अपने प्यार को अपना जीवन साथी बनाया और आज सालों बाद भी दोनों एक दूसरे के साथ हैं। बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने अपने बचपन के प्यार को ही अपना जीवन साथी बनाया। आयुष्मान और ताहिरा दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते थे। दोनों ने शादी की और जिंदगी के हर पड़ाव पर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे और आज भी दोनों एक साथ हैं। जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त की पहली मुलाकात 13 साल की उम्र में हुई थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति लगाव बचपन में ही हो गया था। देखते ही देखते धीरे धीरे बात आगे बढ़ी तो सिलसिला डेटिंग तक जा पहुंचा और फिर दोनों ने साल 1987 में अपने जीवन साथी को अपना लाइफ पार्टनर बना लिया। बचपन में लिया यह जोड़ा आज भी साथ है। बॉलीवुड में सुनील शेट्टी की अपनी अलग ही धाक है। अपने प्यार को ता उम्र निभाने वाले स्टार्स की लिस्ट में सुनील शेट्टी का नाम भी आता है। सुनील ने पहली बार माना को एक पेस्ट्री शॉप में देखा था। पहली बार देखते ही वो माना को दिल दे बैठे, लेकिन उन्हें मनाने के लिए सुनील को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। तब जाकर कई साल 1991 में माना ने उनके प्यार को स्वीकार किया। दोनों ने शादी की और अब तक दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अपनी सीधी सादी इमेज के लिए पहचाने जाने वाले पंकज त्रिपाठी के लव मैरिज के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने भी लव मैरिज की थी। पंकज ने पहली बार मृदुल को एक फैमिली फंक्शन में देखा था, तभी उनसे शादी करने का फैसला कर लिया था। काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद भी दोनों का जुड़ाव कम नहीं हुआ और आखिरकार कैरियर में आगे बढ़ने के बाद साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली।